Assalamu alaikum, grade 1. Welcome to online classes of Rise and Shine School. How are you all, students? I hope you all will be fine. I am your English teacher, Saharish Tawaz. Today, we are going to do English grammar work. Students, your English grammar and literature courses were separate before, but now it is combined. ऑन एस्कोलॉजी बेटा आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के कोर्सेज़ पहले अलग थे अलहदा थे लेकिन अब ये दोनों कोर्सेज कंबाइन कर दिए गए हैं लेट्स स्टार्ट लेसन। टूडे वी आर गोइंग टू राइट एन एस एंड द टॉपिक इज माय पैट माय पैट बोलते हैं मेरा पालतू जानवर लेट्स यहाँ पे हम जिस पालतू जानवर की बात करेंगे वो है कैट स्टार्ट करते हैं आई हैव अ पैट कैट आई हैव अ पैट कैट इट इज वाइट इन कलर इट इज़ वाइट इन कलर इट हैज़ ब्लू आइज किट इज हर नेम किट इज हर नेम आई प्ले विद इट वी विल रीड इट अगेन आई हैव अ पैट कैट मेरे पास एक पालतू बिल्ली है इट इज़ वाइट इन कलर उसका कलर सफैद है बिल्ली कौन से रंग की है सफेद बिल्ली का कलर सफ़ैद है आप तस्वीर में भी देख सकते हैं इट हैज़ ब्लू आइज़ कैट कौन कैट की आइज़ बेटा कौन से कलर की हैं ब्लू कैट की आइज़ बिल्ली की आँखें नीली हैं किटी इज़ हर नेम बिल्ली का क्या नाम है किटी किटी नाम है बिल्ली का आई प्ले विद इट मैं उसके साथ खेलती हूँ माय अपने पैट के साथ जिस तरह बेटा आपको तस्वीर नज़र आ रही है बिल्कुल उसी तरह आपने कॉपी कौ में काम करना है आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू move मूव ऑन टू योर द tree बुक सब बच्चे अपनी ग्रामेटरी बुक खोलें पेज नंबर एटी फाइव पेज नंबर एटी फाइव में भी आपने ऐसे लिखना है माई पैट में राइट फाइव सेंटेंसेज ऑन माई पैट बेटा यहाँ पे हमने जो कॉपी में लिखा है उधर हमारा माए माई पैट है में हमारे जिस पालतू जानवर की बात हो रही है वो है कैट बुक में आप अपने पालतू जानवर के बारे में लिखेंगे और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कॉपी से भी हेल्प ले सकते हैं जिस तरह आप लिखेंगे आई हमने कॉपी में लिखा है आई हैव अ पैट कैट तो अब कैट की जगह आप अपने पालतू जानवर का नाम लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट हमने लिखा है इट इज़ वाइट इन कलर तो आपके पालतू जानवर का जो कलर है आप वही कलर लिखेंगे नेक्स्ट है इट हैज़ ब्लू आइस आपने अपने पैट की आइस का कलर लिखना है उसके बाद किटी इज हर नेम आपने अपने पैट का नाम लिखना है किटी की जगह लास्ट है आई प्ले विद इट अगर आप यही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और उसके अलावा कोई लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फाइव लाइन्स आपने बुक में लिखनी है और कॉपी में भी फाइव लाइन्स लिखनी है जो मैंने आपको लिखवाई हैं ठीक है बेटा डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर होमवर्क पिक्चर्स अल्लाह हाफिज़ विल सी यू नेक्स्ट टाइम